बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का आज अशोकनगर दौरा होगा। राजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सेक्टर और मंडलम पदाधिकारियों से इस दौरान वो संवाद करेंगे। और अब फिलहाल ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी का, उनसे जानेंगे। आशीष, जिस तरह से मंत्रियों को शिकायतें थी, कार्यकर्ताओं को शिकायतें थी कि मुख्यमंत्री होते हुए कमलनाथ कभी नहीं मिले, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कभी सड़कों पर नहीं उतरे, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए, अंचल में नहीं गए, किसी से मुलाकात नहीं की, अब जाना पड़ रहा है, अब कार्यकर्ताओं से कैसे संपर्क स्थापित करेंगे और कैसे उन्हें जीत का मंत्र देंगे, जबकि कार्यकर्ता तो असंतुष्ट हुआ बैठा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अशोकनगर के राजपुर पहुंचेंगे और वहां पर मंडल सेक्टर और मंडलम और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर संवाद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये साफ करेंगे कि किस तरह से चुनावी रणनीति होगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। ये तमाम बातें सियासी तौर पर एक राजनीतिक दल जिस तरह से करता है, उस राजनीतिक दल के नेता के होने के नाते कमलनाथ भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ क्षेत्रों में नहीं पहुंचे, ये इस बात का आरोप बीजेपी सीधे तौर पर लगा रही है और अपने पूर्व जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं, कमलनाथ मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे हैं, उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करें और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना, ये दिशा निर्देश दे। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ या कांग्रेस की बात से कितना इत्तेफाक रखेगा, ये देखना तो दिलचस्प होगा साथ में। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से फिलहाल रणनीति बन रही है कि बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा लेकर जाए, गद्दारी का मुद्दा लेकर जाए, तो इन मुद्दों को कांग्रेस कार्यकर्ता कितना जनता के बीच में ले जा पाते हैं, ये भी देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, जो जानकारी दे रहे थे और इस बुलेटिन में हमने आपको बताया कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री 106 करोड़ से अधिक की अधोसंरचनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी आज शुभारंभ होगा। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल सहित तमाम उन सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, वहां बीजेपी के दिग्गज नेता हुंकार भरेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का आज अशोकनगर का चुनावी दौरा होगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से कहा जा रहा था, अब प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि नवरात्रि के दौरान वो मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद चुनावी समर में उतर सकती है। इसके साथ ही तीन प्रदेशों के मुखिया और सचिन पायलट के आने की खबर भी मिल रही है। इसके साथ ही तमाम और भी खबरें जो इस वक्त की सुर्खियों में थी, हमने उससे आपको अपडेट कराया।